दोस्तों आज के वीडियो में ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुक करने का ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट लाइव यहां पे बुक करके दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ सस्ता फ्लाइट टिकट आप कहां से बुक करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे और फ्लाइट बुकिंग करते करते बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का हम खास ध्यान रखे हैं जिससे कि आप पैसे का बचत कर पाए। इसके अलावा फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करना है और स्टूडेंट है या सीनियर सिटीजन है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आप कैसे लेंगे और क्या क्या बेनिफिट आपके लिए एलिजिबल है, और टिकट बुक करने के बाद बाय चांस आपको टिकट को रिशेड्यूल करना हो या कैंसिल करना हो तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना चार्जेस लगेंगे और फ्लाइट में आप क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते हैं, कब वेब चेक इन करना है, कब बोर्डिंग पास आपको मिलेगा, किस तरीके से आपको फिजिकल बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में फ्लाइट बुकिंग के साथ साथ। यानी कि अगर आप पहला फ्लाइट जर्नी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, बुकिंग से लेकर के ट्रेवल तक फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, एक टिकट मैं बुक करके दिखाता हूं कैसे आप सस्ता और किस तरीके से बुक करेंगे पहले देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए एक प्रो टिप जो मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूं, आपको किसी भी ब्राउजर का इनकॉग्निटो में ही फ्लाइट टिकट बुक करना है। और दूसरी बात कि किसी एक लोकेशन से किसी एक डिवाइस से बार बार आप किसी फ्लाइट टिकट का प्राइस चेक करते हैं और जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो प्राइस बढ़ा करके वहां पे दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक फेयर लागू होता है। तो इससे बचने का उपाय यह है कि जब आपका फाइनल डिसीजन हो टिकट बुक करने का उस समय फ्रेश डिवाइस और फ्रेश लोकेशन का यूज करें तो वहां पे आपको फ्रेश प्राइस देखने को मिलेंगे, ना कि डायनेमिक फेयर वाला। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सस्ता टिकट हम कहां से बुक करें। देखिए अभी तक मैं खुद कुछ फ्लाइट जर्नी कर चुका हूं और जब भी मुझे टिकट करना होता है मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूं कई सारे वेबसाइट के ऊपर, जहां पे मैं अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो क्लियर ट्रिप ज्यादातर सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट देता है और फ्लिपकार्ट का भी टाइप क्लियर ट्रिप से ही है और एक्सिस बैंक का भी टाइप क्लियर ट्रिप से ही है। तो जिस वजह से डिस्काउंट कूपन और बैंक ऑफर भर भर के देखने को मिलते हैं जिससे कि टिकट सस्ता हो जाता है। तो यहां पे मैं आज क्लियर ट्रिप से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। हालांकि किसी भी वेबसाइट से आप टिकट बुक करें प्रोसेस सेम ही रहने वाला है लेकिन सस्ता ये देता है, तो इसी के थ्रू आज हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रोसेस। चलिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी सबमिट कर देना है। चलिए उसके बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन है वन वे और राउंड ट्रिप। आपको एक ही टिकट बुक करना है तो वन वे सिलेक्टेड रखेंगे और राउंड ट्रिप यानी कि जाने और आने का दो टिकट एक साथ करना है तो आपको राउंड ट्रिप सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं यहां पे एक ही टिकट बुक करूंगा इसलिए वन वे रख लिया हूं। अब उसके बाद देखिए एडल्ट और इकोनॉमी का यहाँ पे ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आपका पैसेंजर टाइप यहाँ पे पूछा जा रहा है, 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग हैं आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कर लेंगे और 2 से 12 साल और 2 साल से नीचे का कितने बच्चे आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ये चीज आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं एक एडल्ट सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद पैसा बचाना है तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कैटेगरी है इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी। इकोनॉमी सबसे सस्ता होता है, उसके बाद बिजनेस क्लास, उसके बाद फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे इकोनॉमी सबसे सस्ता होता है, उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी, उसके बाद बिजनेस क्लास, उसके बाद फर्स्ट क्लास। तो मैं यहाँ पे सस्ता टिकट बुक करने वाला हूँ इसलिए इकोनॉमी के ऊपर सेलेक्ट रखूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलर फेयर है, आप चाहे तो सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट फेयर और आर फोर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट हो गया या सीनियर सिटीजन हो गया यहाँ पे प्राइस में आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है और ये अलग अलग एयरलाइन का अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन है सेपरेट कैटेगरी के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रेगुलर फेयर में ही टिकट बुक करने वाला हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है फ्रॉम और टू, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो मुझे दिल्ली से पटना का टिकट चाहिए। तो यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पटना, जैसे ही पटना डालता हूँ यहाँ पे देखिए पटना एयरपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे डिपार्चर डेट पूछा जा रहा है, तो इस कैलेंडर के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो किस डेट को आपको ट्रेवल करना है आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और डेट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्राइस का मतलब है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपये का मिल सकता है, इससे महंगा कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो भी डेट को ट्रेवल करना है वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद रिटर्न डेट में हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पे वन वे टिकट करने वाले हैं और सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए आप इस पेज के ऊपर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ हमें 3 चीज ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। सबसे पहला तो ये देखना है कि प्राइस सही है या नहीं है, ठीक है, आपको सुटेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। दूसरा चीज हमें ये देखना है कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए ये नॉन स्टॉप फ्लाइट है, ये 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचाएगा, 1 घंटा 40 मिनट में, 1 घंटा 40 मिनट में। अगर नॉन स्टॉप नहीं होता तो दिल्ली से अगर हमें पटना जाना है तो दिल्ली से पहले कोलकाता ले जाता, कोलकाता से फिर पटना, या फिर दिल्ली से लखनऊ, फिर लखनऊ से पटना, तो ऐसे में आपको समय भी ज्यादा लगेगा और परेशानी भी ज्यादा होगा। इसलिए सबसे पहले देख ले कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं या कम समय में पहुंचा रहा है नहीं। चलिए उसके बाद तीसरा चीज हमें ये देखना है फ्लाइट का टाइमिंग,
ठीक है, आखिर आप पैसा लगा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, तो वो काम के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हाँ, टाइमिंग का ध्यान दे ही रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, मान के चलिए ये जो 6:20 का जो टाइमिंग है ये फ्लाई करने का टाइम है, इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि 6:20 में अगर ट्रेन है तो 6:15 में प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो 5 मिनट के अंदर आराम से ट्रेन पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट में बैठने से पहले बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री करने से पहले आपका टिकट और आईडी प्रूफ चेक किया जाता है, मैच किया जाता है, उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक इन करवाते हैं, उसके बाद बैगेज जमा करवाते हैं, उसके बाद बोर्डिंग गेट तक जाते हैं और बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है 25 मिनट पहले। तो इसीलिए प्रेफर्ड किया जाता है कि आप डिपार्चर टाइम है इसे 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचिए, स्मूथली आपका प्रोसेस होगा, कोई भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, ये 6:20 का अगर फ्लाइट है तो क्या आप 4:20 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहे हैं ट्रैफिक के बावजूद, तब आप इस टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज किसी अदर टिकट को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी एयरलाइन का ये जो टाइमिंग है ये डिपार्चर टाइमिंग होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल से समझ चुके हैं कि 3 चीज क्या ध्यान में रखना है, पहला प्राइस, दूसरा टाइमिंग और तीसरा फ्लाइट का टाइमिंग। चलिए, तो सिंपली यहाँ पे समझ चुके हैं कि क्या 3 चीज ध्यान में रखना है, पहला प्राइस, दूसरा फ्लाइट का टाइमिंग और तीसरा फ्लाइट का ड्यूरेशन। चलिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना कौन सा टिकट बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे स्पाइस जेट का पहला टिकट यहाँ पे बुक करना है हमें, तो बुक के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ चुके हैं, आप देखते हैं यहां पे क्या डिटेल खुल के आता है। देखिए, अब जो फ्लाइट आपने सेलेक्ट कर लिया, वो फ्लाइट के अलावा कोई डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, उस फ्लाइट का पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। और दिल्ली में टर्मिनल 3 से ये आपको पिकअप करेगा और पटना टर्मिनल 1 में आपको ये ड्रॉप करेगा। फ्लाइट नंबर ये होने वाला है, फ्लाइट का टाइमिंग और डेट सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, फेयर वगैरह भी यहाँ पे आ चुका है, डिस्काउंट कूपन ऑटो अप्लाई है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्काउंट लेने के लिए मैं खुद मैनुअली यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करूंगा। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पे कूपन कोड दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सभी कूपन यहाँ पे दिख जाएंगे और जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है वो कूपन को हम अप्लाई करें। तो अभी देख लीजिए, डिस्काउंट 480 रुपया अप्लाई है, अब देखते हैं इससे ज्यादा कौन सा दे सकता है। तो ये HDFC वाला अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये हो नहीं रहा है, और मूवी क्विक वाला ये हो चुका है, 1,035 रुपये का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, और ये काफी बढ़िया डील है। देख लेता हूँ इससे भी बढ़िया कोई है क्या, नहीं इससे बढ़िया कोई डील नहीं है, यहाँ पे मूवी क्विक वाला ही मैं अप्लाई रखता हूँ। चलिए, अब इस पेज के ऊपर आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिंपल सा जो तरीका मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हम नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे, देखिए जैसे हम नेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे इरोर आ रहा है कि यहाँ पे आप कुछ सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करें, पहला है स्टैंडर्ड फेयर, दूसरा है प्लस, तीसरा है मैक्स। तो यहाँ पे सबसे सस्ता टिकट हम बुक कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फेयर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और बाकी सब चीजों को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे अगर 99 रुपये ज्यादा ले रहा है या अगर 750 रुपये ज्यादा ले रहा है तो एक्स्ट्रा ये बेनिफिट देगा, छोटा मोटा बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसिलेशन चार्जेस कम लगेगा बाद में अगर कैंसिल करेंगे इस कैटेगरी में बुक करने के बाद, तो या फिर रिशेड्यूल करने में कम चार्जेस लगेगा, तो ये सब चीजों को हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप स्टैंडर्ड फेयर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद इस फ्लाइट का टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, कैंसिलेशन चार्जेस स्टार्ट हो जाता है 3500 रुपया से और डेट चेंजेस स्टार्ट हो जाता है 3250 रुपये से, यानी कि कैंसिल करते हैं तो 3500 रुपये काट लिया जाएगा, उसके बाद जो इलिजिबल अमाउंट होगा वही आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 3700 का टिकट है तो 200 रुपया हमें मिलेगा, उसके बाद डेट चेंज करना चाहते हैं तो इस टिकट से 3250 रुपये कट जाएगा, बाकी बचा जो पैसा है वो अगले फ्लाइट जो आप बुक करें उसमें एडजस्ट होगा, ठीक है। खाना पीना आपको खरीद के खाना पड़ेगा, फ्री नहीं है, और 7 किलो केबिन बैग ले जा सकते हैं और चेक इन बैग 15 किलो ले जा सकते हैं। चेक इन बैग वो होता है जो बेल्ट के ऊपर सबमिट कराते हैं, और केबिन बैग वो होता है जो हाथ में लेकर के फ्लाइट में बैठते हैं, ठीक है। सीट भी पेड होने वाले हैं, हालांकि फ्री सीट का मैं ट्रिक्स अभी आपको बता दूंगा। और कैंसिलेशन और डेट चेंज का यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में दिया गया, उसको हम इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, दिस बुकिंग इज कवर्ड बाय मेडी कैंसल रिफंड, जिसके लिए बताया जा रहा है गेट ए फुल रिफंड ऑन फ्लाइट फ्रॉम मेडिकल रीजन, यानी कि किसी अनफॉर्चुनेट मेडिकल रीजन से अगर आप ट्रेवल नहीं करना चाहते तो फुल रिफंड आपको मिलेगा, बस प्लेटफॉर्म कन्वीनियंस फी आपको नहीं मिलेगा वापस। और जिसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेगा कि कोई MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर से आपको प्रिस्क्रिप्शन बना करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो फुल रिफंड आपको मिल जाएंगे। चलिए, उसके बाद अगला आ जाता है सिक्योर ट्रिप, यानी कि इंश्योरेंस कोई लेना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद क्लियर ट्रिप का टाइप फ्लिपकार्ट से है, तो फ्लिपकार्ट में अगर आपका कोई क्वाइन वगैरह है तो वो आप यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। और तो चलिए, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने का
ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे सीट मैप खुल के आ चुका है। इस साइड का जितने भी सीट होंगे विंडो सीट होंगे, इस साइड का जितने भी सीट होंगे विंडो सीट होंगे, फिर आ जाता है मिडिल सीट और साइड सीट, सेम उसी प्रकार से इधर और इधर भी है। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। और इसी के साथ साथ देखिए फ्री वाला सीट का कलर यहाँ पे ये रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे अगर आपको फ्री सीट चाहिए तो जैसे पीछे जाएंगे तो देख लीजिए ये सब के सब यहाँ पे फ्री वाले सीट है, और मिडिल फ्री सीट फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है, मिडिल सीट फ्री 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फ्री वाला चाहे तो बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इतना पैसा लग ही रहा है तो क्यों ना हम 200-400 रुपया देकर के विंडो सीट लेकर के एंजॉय करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ 15F, जिसके लिए 300 रुपया पेड करना पड़ेगा हमें विंडो सीट के लिए, लेकिन चलो यार फ्री वाला ही ले लेता हूँ आज। ये हमने सीट सेलेक्ट कर लिया। आप देख लीजिए यहाँ पे खाना पीना ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, मैं कुछ भी बुक नहीं करने वाला हूँ। हालांकि आप ये चीज फ्लाइट में भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कैश में परचेज करना पड़ेगा, कोई नेट बैंकिंग UPI या कार्ड स्वाइप वगैरह नहीं चलता है। चलिए तो ये सब चीजों को इग्नोर करके कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको ऐड करना पड़ेगा पैसेंजर का, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रेवलर डिटेल ऐड करना है, यहाँ पे फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, GST नंबर है तो डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे और कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे नेम बिल्कुल करेक्ट डालें, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने से पहले आपका आईडी प्रूफ प्रॉपर चेक किया जाता है सबके स्टाफ के द्वारा। अगर थोड़ा भी स्पेलिंग मिसमैच है तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, इस चीज का खास ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पे ध्यान से टिकट बुक करिएगा। अगर कोई अगर गलती से गलती हो भी जाता है तो आप एयरलाइन को कॉल करके उसे मॉडिफाई करवा लें, ताकि बोर्डिंग पास के ऊपर सही नेम प्रिंट हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे डिटेल में सही सही फिल कर दिया हूँ, कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये हम आ चुका फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे देखिए हमने ऑफर सेलेक्ट किया, हम मूवी क्विक से बुक करेंगे तो इसलिए हमें डिस्काउंट मिला था। यहाँ पे देख लीजिए एक्स्ट्रा दोनों मिला करके 1000 करीब डिस्काउंट था। चलिए उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल पेमेंट अमाउंट है 4110 रुपये है। अगर आप मूवी क्विक के अलावा, यानी कि जो आप ऑफर सेलेक्ट करते हो उसके अलावा किसी पेमेंट मेथड से बुक करना चाहेंगे तो वो कूपन कोड हट जाएगा और डिस्काउंट कूपन हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI, वॉलेट, पे लेटर, कार्डलेस EMI, बहुत सारे ऑप्शन है। तो पे नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आई थिंक हमें मूवी क्विक में रिडायरेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मूवी क्विक का OTP आएगा, OTP मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा और सबमिट के ऊपर ये हमने क्लिक किया। और यहाँ पे देख लीजिए डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है और क्रेडिट कार्ड एड भी है। तो यहाँ पे अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ तो देख लीजिए एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट लग रहा है, कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे या जो भी कन्वीनियंस होगा जिसमें आप कंफर्ट होंगे उस पेमेंट मेथड से पेमेंट कंफर्म करना है, उसके बाद टिकट बुक हो जाएगा। चलिए मैं मान के चलता हूँ आपने पेमेंट कंफर्म कर दिया तो टिकट कहाँ से दिखेगा, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ट्रिप्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पे डाउनलोड ई टिकट के ऊपर क्लिक करके PDF में टिकट डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए दो चीज ही मेन होता है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला होता है PNR नंबर, जो कि आपको एयरलाइन द्वारा इशू किया जाता है, और दूसरा आ जाता है पैसेंजर का नेम। चलिए अभी तक हमने टिकट बुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट देख लिया, अब आगे क्या होगा, आगे आपको वेब चेक इन करके और बोर्डिंग पास डाउनलोड करना पड़ेगा कि ये रहा बोर्डिंग पास। देखिए जो भी आपका ट्रेवल डेट है और टाइम है उससे 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है, और वेब चेक इन के लिए आपको ये जो PNR नंबर मिला है और ये PNR नंबर लेकर के और एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो का अगर टिकट है तो इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन वाले ऑप्शन में जाकर के अपना PNR नंबर डाल करके और वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे, जहां से एक PDF डाउनलोड होगा, वो PDF ही आपका बोर्डिंग पास होगा, जहां पे ये सारे डिटेल मेंशन होंगे। और इस प्रकार का अगर फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने के बाद एयरलाइन के काउंटर के ऊपर जाएंगे, यानी इंडिगो के काउंटर के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास वो प्रिंट करके दे देंगे। लेकिन आपके फोन में जो PDF वाला बोर्डिंग पास है उससे भी टोटल जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। वैसे टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बोर्डिंग पास ही मेन होता है, आपने टिकट कहां से बुक किया, उसका PDF क्या है, उसका इनवॉइस क्या है, कोई भी आपको नहीं देखने वाला है, बस आपके पास एक बोर्डिंग पास होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप वेब चेक इन या बोर्डिंग पास डाउनलोड करते हैं तो आप उस एयरलाइन का वीडियो देख सकते हैं, मैं सारे एयरलाइन के ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से वहां पे वेब चेक इन या बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो का सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।